रमजान मुबारक की आमद करीब करीब है। अगले हफ्ते वाले दिन तवक्को है कि पहला रोजा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर मंजूर हुआ तो अगले दिनों को मुबारक हो रमजान मुबारक की आमद की हो फजीलत बरकत रहमत और रमजान में कुरान मजीद सुनने सुनाने के हवाले से जो अजर और इनाम है इसके मुताबिक तफसीली गुफ्तगु करने का शर्फ हासिल होगा। आज मौजूदा हालात के हवाले से जो इम्तिहान और आजमाइश इंसानियत पर नाज़िल हैं उसी को गुफ्तगू का मौजू और उनवान बनाया जा रहा है। इस आजमाइश और तकलीफ को जो अल्लाह की तरफ से तमाम इंसानों पर नाज़िल हुई है किस तरह इसका हल तलाश करना है। इस आजमाइश और इम्तिहान के सामने हमारा रवैया क्या होना चाहिए और इस दुख और तकलीफ की घड़ी में हमारी जिंदगी की रूटीन क्या होनी चाहिए। हजरात जी बताओ ये वो दुख और आजमाइश है जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में ढूंढने से भी नहीं। फिर हैरतनाक बात यह है कि इस इम्तिहान और आजमाइश का रुख सबसे ज्यादा उन इलाकों की तरफ है उन खेतों की तरफ है और उन लोगों की तरफ है जो मौजूदा दुनिया में दुनियावी एतबार से सबसे ज्यादा मुहज्जब समझे जाते हैं सबसे ज्यादा मुतमद्दन समझे जाते हैं और सबसे ज्यादा हर एतबार से बासलाहियत समझे जाते हैं जिनके पास दौलत वाफिर मौजूद है जिनके पास इलाज सहूलियात सैकड़ों दीगर ममालिक के मुकाबला में बेहतरीन है और जिनके पास हथियार और असलहा के हवाले से ऐसे ऐसे आलात मौजूद हैं जो दीगर
दुनिया की कौमों के पास नहीं है, जिनके पास लिबर्टी सिस्टम सारी दुनिया से कीमती और मुख्तलिफ है। ऐसे इलाकों और ऐसे लोगों की तरफ इस वायरस का मुतवज्जे होना और इस वबा का पाया जाना और इस वबा की वजह से सैकड़ों में हजारों की तादाद में लोगों का फौत हो जाना, ये इस बात की अलामत है, इस बात की निशानी है कि अल्लाह करीम इंसानियत को ये समझा रहा है कि जमीन पर रहते हुए सुपर पावर के दावा करना झूठ है, हकीकत सुपर पावर अल्लाह की अब भी अगर इंसानियत का दिमाग न खुले, अब भी अगर इंसानियत को हकीकत की दहलीज पर पहुंचना नसीब न हो, अब भी अगर इंसानियत को सबक और इबरत हासिल न हो, तो फिर कब होगी? दोस्तों, इस इम्तिहान और दुख की घड़ी में शोर मचाना, वावेला करना, इसका मुकाबला करने का इजहार और ऐलान करना, या कोई भी ऐसा अंदाज जो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, अपनाना और इख्तियार करना दानिशमंदी नहीं है, समझदारी नहीं है। जब ये बात तय हो गई कि ये वबा एक जरसूमे की सूरत में मौजूद है, एक वायरस की सूरत में मौजूद है, तो जब भी कोई वायरस इंसानों के दरमियान पनपता है और पनपने के बाद फैलता है, उस वक्त मेरे अल्लाह ने और मेरे रसूल ने अपने मानने वालों की तरबियत क्या करवाई है, उनको सबक क्या अता फरमाया है, क्या रास्ता अता फरमाया है कि उस पर चलकर वो इम्तिहान और आजमाइश की इस घड़ी में कामयाब हो सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि वायरस और वबा से कुछ नहीं होता, इसको अपने ऊपर हवे की सवार कर लेने की कोई जरूरत नहीं है और इसको बुनियाद बनाकर फलां काम छोड़ देना, फलां इबादत छोड़ देना, फलां नेकी छोड़ देना, ये दुरुस्त नहीं है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वायरस होता है, उससे छुपना, उससे बचना, उससे दूर रहना, उसको किसी हवाले और किसी सूरत में अपने करीब न आने देना, ये समझदारी है, ये अकलमंदी है। हजरात से बता, जब दो राय और दो सोचें सामने आ जाती हैं, तो उस वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
रहबरी की हमें जरूरत होती है, रहनुमाई की हमें जरूरत होती है। जिन लोगों का ये ख्याल है कि ये कुछ नहीं है, इससे डरने छुपने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पर का तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करना है, उसके अलावा कोई परेशानी की बात नहीं है, अपनी जगह वो भी ठीक होंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि एहतियात जरूरी है, तदबीर जरूरी है, उनकी अपनी जगह दुरुस्त है। मैं चंद मिसालें दोस्तों के सामने रखना चाहता हूं कि तदबीर इख्तियार करना, हिला वसीला इख्तियार करना, क्या कुरान और हदीस में इसका हुक्म है, और या कुरान और हदीस में इसका इनकार है? दोस्तान अजी बता, अल्लाह करीम ने तदबीर को, हिले को, वसीले को कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया है। एक मकाम पे अल्लाह फरमाता है कि जो जमीन मुर्दा हो जाती है उसे हम पानी अता फरमा के जिंदा कर देते हैं। हालांकि अल्लाह तुझा है तो बगैर पानी के, बगैर तरी के, बगैर तरावत के जिंदगी आता फरमा सकता है। क्या वो लम्हा आपको भूल गया है जब लकड़ी का सूखा हुआ तना हुजूर की जुदाई में रोने लग गया और हुजूर मिंबर छोड़कर उस तने के करीब आ जाते हैं, अपना दस्त मुबारक शफ़क़त और तसल्ली के तौर पर उस पर रखते हैं, चीखे सुनने वाले और रोना सुनने वाले कहते हैं कि हाथ लगने की देर थी, उसको सुकून हो गया। तो रोना भी जिंदगी की दलील है, और रोने के बाद जब दस्ते तसल्ली रखा जाता है, चुप कर जाना भी अल्लाह चाहे तो बगैर किसी लीला के, बगैर किसी वसीला के जिंदगी अदा कर सकता है। हजरत आदम की खुद जात हमारे सामने है, हजरत हव्वा की जात हमारे सामने है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात हमारे सामने है। हजरत आदम को बिन बाप के, बिन मां के पैदा किया, हजरत हव्वा को बिन मां के पैदा किया, हजरत ईसा को बिन बाप के पैदा किया। अल्लाह हीलों का मोहताज नहीं, वसीलों का मोहताज नहीं है, तकदीरों के एहतियात का मोहताज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो फरमाता है कि जो जमीन मुर्दा हो जाती है हम पानी फराहम करके उसे जिंदगी अदा करना, तो हीला इख्तियार करना, वसीला इख्तियार करना और तदबीर का दामन पकड़ना, ये मेरे अल्लाह की अपनी सुन्नत। जो सीने खुश्क हो जाते हैं, जो सीने नूरे ईमान से काले हो जाते हैं, नूरे ईमान न मिलने की वजह से, नूरे ईमान न होने की वजह से बंजर हो जाते हैं, अल्लाह चाहे तो अपनी कुदरत से उन सीनों में ईमान की रोशनी डाल सकता है, अल्लाह चाहे तो उन सीनों में ईमान और अपनी मार्फत की खुशबू महका सकता है। उसके बावजूद अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ऐ जाने जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आपके मुबारक सीना पर हमने इसलिए नाज़िल की है कि इस किताब की छाँव में बैठकर अंधेरों में रहने वाले लोग उजालों के मुसाफिर बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये किताब को अल्लाह सबब बयान कर रहा है, किताब को अल्लाह हिले के तौर पे बयान कर रहा है, किताब को अल्लाह वसीले के तौर पे बयान कर रहा है। किताब इसलिए नाजिल की है कि किताब का दामन पकड़ने से, किताब पढ़ने से, किताब समझने से, कुरान का नूर अपने सीने में दाखिल करने की बरकत से तुम साहिब नूर बन जाओ। बहुत सारी मिसालें अर्ज की जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ दो मिसालों पे इक्तफा कर रहा हूं कि जमीन बंजर हो जाए, मैं आसमान से पानी उतारा करता है, उसकी जिंदगी बन जाती है, ये सीने बंजर हो जाए, ये खुश्क हो जाए, तो किताब नाजिल की जाती है जिसकी बरकत से इनको तरावत और नूर नसीब हो जाता है। इसी तरह हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बाबरकत जिंदगी में जब हम हाजिर होकर हुजूर से इस मसले का हल पूछते हैं, इस सवाल का जवाब पूछते हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन एक मौका पर हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, अफला नदउ अमल वनकिलु अला किताबिना, या रसूल अल्लाह आप क्या फरमाते हैं, हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं, हम इबादत करना, फराइज अदा करना, वाजिबात अदा करना, सुनन अदा करना, मुस्तहबात और मुबाहात पे अमल करना, अल्लाह के अहकाम पे अमल करना, और अल्लाह ने जिन चीजों से रोका है उनको से रुकना, ये सारा कुछ छोड़ न दे और इस इंतजार में बैठ जाए कि जो लिखा है उसके मुताबिक ही होगा, जब जो लिखा है उसके मुताबिक होना है फिर हम मेहनत क्यों करते हैं, हम इबादत क्यों करते हैं, हम रियासत क्यों करते हैं, हम जिक्र क्यों करते हैं, हम मसाजिद को आबाद क्यों करते हैं, हम रोजे क्यों रखते हैं, हम उमरे और हज क्यों करते हैं, हम सदका और खैरात क्यों करते हैं, हम माली इबादत क्यों सर अंजाम देते हैं, हम इंसानियत का ख्याल क्यों रखते हैं। चुप करके बैठ जाए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ख्याल को परे कर दो, इस सोच को रद्दी की टोकरी में डाल दो, ए मालूम तुम अमल करते जाओ, पता ये चला कि तुम्हारे आमाल की वजह से, तुम्हारी मेहनत और रियासत की वजह से, तुम्हारी नेकी और इबादत की वजह से, तुम्हारे कार खैर की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी तैयार कर रखी है, और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने दूसरा मरकज बना रखा है। पता ये चला कि अगर कोई शख्स नेकियां करता है, आमाल सहलिया करता है, इबादत और रियासत करता है, तो अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाता है, और जो इस रास्ते से भटकता है अल्लाह उसको जहन्नम का मुसाफिर बना देता है, वरना अल्लाह चाहे तो सबको उठा के जन्नत में भी डाल सकता है, अल्लाह चाहे तो सबको जहन्नम का मुसाफिर भी बना सकता है, लेकिन नहीं, हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस विश्वसे को जो सहाबा के ज़हनों में उठा था उसका रद्द फरमा दिया, फरमाया ना तुमने अमल करने हैं, तुमने मेहनत करनी है, तुमने नेकियां करनी है, अल्लाह का निजाम ये है कि अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख के तुम्हारे मुताबिक फैसला कारे को आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करते। इसी तरह सहाबा किराम ने एक दूसरे मौका पर सवाल किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई शख्स बीमार हो जाए, दवाई लेता है, कोई तकलीफ आ जाए, वजीफा पड़ता है, कोई तावीज लेता है, कोई दम दरूद करता है, ये हदीस के अल्फाज का तर्जमा मैं कर रहा हूं, अदविया और रुकैया के अल्फाज है, तावीजात वगैरह दम दरूद कराता है, इनकी जरूरत क्या है,
इनको छोड़ न दिया जाए, ये दवा लेना, ये दम तबूत करना कराना, ये कोई विरद वजीफा पढ़ना अल्लाह की तकदीर के खिलाफ नहीं है। सुनिए, हुजूर ने फरमाया हैया में कादर लिल्लाह, दवा लेना भी अल्लाह की तकदीर है, दम दबूद करना पढ़ना पढ़ाना भी अल्लाह की। लिहाजा जहनों से ये बात निकाल दीजिए कि जब कोई वायरस आ जाए, कोई वबा आ जाए, कोई छूती मस आ जाए, तो फिर एहतियात की जरूरत नहीं है, तदबीर की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा मुआलिज इलाज करने आपकी सेहत की हिफाजत के लिए जो तजवीज करता है, जो एहतियात बताता है, जो तदबीर सिखलाता है, हुजूर के इस फरमान के मुताबिक ये बात समझ आ रही है, वो इलाज करना, वो एहतियात करना और वो तदबीर करना भी अंदर की तदबीर है। दोस्तान नजीब अकारी सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक ज़माना, आपने इस्लामी लश्कर शाम की तरफ भेजा हुआ था। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला इस्लामी लश्कर के सिपा सरदार अमीनुल उम्मा अबू उबैदा बिन जर्रह रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत मिला। अबू उबैदा बिन जर्रह कहते हैं कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं उस इलाके में ताऊन का मजा गया है, पुराने वो दाने बनते थे और आदमी अक्सर उससे दुनिया छोड़ जाया करते थे, इसके बारे में अब क्या करना चाहिए। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला वो खुद उस इलाके की तरफ जा रहे थे, मुसलमानों की लश्कर की मदद के लिए खुद तशरीफ ले जा रहे थे। आप वहीं रुक गए और हजरत अबू उबैदा बिन जर्रह से कहा, मैं तो रुक गया हूं, मैं आप उस इलाके में नहीं जाऊंगा और आपको भी मशवरा है कि इलाका तब्दील कर लिया जाए। सुनिए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रह ने जवाब लिखा, आता फिरो मिन कदर इल्ला, ए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम, आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं। फारूक आजम ने जवाब क्या दिया, हजरत फारूक आजम ने फरमाया, अफिरो मिन कदर इल्ला इला कदर इल्ला, अल्लाह की एक तकदीर से भाग रहा हूं, दूसरी तकदीर तक जा रहा हूं। एहतियात और तदबीर इख्तियार करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक और खुलफाए राशिदीन में से सैयदना फारूक आजम के अमल के मुताबिक ये बात तय हो गई कि एहतियात और तदबीर का कोई भी ऐसा उसलूब जो इस्लाम के खिलाफ न हो वो इख्तियार करना, ये भी अल्लाह की तकदीर हुआ करता है। ये तदबीर और ये इख्तियार का दामन वो है जिसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में कितनी मर्तबा लोगों के सामने रखा। बदर की जंग जब होने लगी, गज़वा बदर के आसार जब शुरू हुए, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुरैश मक्का अगली बार ये काम ना हो जाएगा मस्जिद में जो हमारे एक जिम्मेदारी थोड़ी है। कुरैश मक्का हमला के लिए मक्का मुकरमा से चल पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चंद मुसलमान सिपाहियों को तैयार किया कि आप पहले चले जाओ, रास्तों में घाटियों में मुख्तलिफ महफूज मकामात पे छुप के देखो कहां पहुंचे हैं, कितने लोग हैं, सवारियां कितनी हैं,
असली हक कहाँ है, तारीख कैसी है, इरादे क्या है, पहला निशाना कहाँ का है, तो उस सिपाहियों के दस्ते को कुरैश मक्का के हालात पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मुलाहजा करने के लिए भेजना तदबीर कहलाता है जो मेरे मुस्तफा ने इख्तियार किया है। वरना कह के हम बैठे हैं, सो होगा, हमें उठने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, उनके मामलात समझने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे हैं, खुदा की तरफ से है, जो होगा सो होगा। लेकिन वो सिपाही भेज कर बाकायदा जासूसी के निजाम की बुनियाद रख के बताया कि तदबीर और एहतियात इख्तियार करना सुन्नत मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जी ने कहा ग़ज़वे अहज़ाब के मौका पर मेरे रसूल ने खंदक नहीं खुदाई, शहर मदीना के तीन तरफ खंदक हुजूर ने खुदवाए, एक तरफ पहाड़ थे, उस तरफ से दुश्मन हमला नहीं कर सकता था, बाकी तीन शहर मदीना की तरफें खाली थी, ओपन थी, हुजूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खंदक खुदवा कर उम्मत को और कयामत तक अपने सारे गुलामों को यह मैसेज करके दिया, ये पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का रसूल होकर कायनात का ताजदार होकर फरिश्तों का भी नबी और रसूल होकर और जिसकी सेवा में फरिश्ते आके बाकायदा जंग और जिहाद करने वाले हैं उनकी मौजूदगी में भी तदबीर को इख्तियार करके तुम्हें बता रहा हूं कि जिंदगी के किसी मौका पर अगर एहतियात और तदबीर का मामला पेश आए तो मेरी सुन्नत समझते हुए उसे कबूल तबूक कर जंग जब भी गजवा हुआ उस वक्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा की अपील देखी, ये भी तो तदबीर ही थी ना, आप जानते थे कि दुश्मन इस दफा तादाद में ज्यादा है, उसका जोश जज्बा ज्यादा है और वो अपनी पिछली सारी शिकस्तों का बदला लेने के लिए एक दुश्मन नहीं खित्ते के अरब के सारे दुश्मनान इस्लाम अपील की, ये वही मौका है जब सिद्दीक अकबर अपनी सारी कायनात उठा के हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। चंद लम्हों के बाद जिब्राइल आते हैं और उन्होंने जो कुर्ता पहना हुआ है बटन की जगह कांटे लगे हुए हैं, हुजूर की नजर पड़ती है, जिब्राइल तेरे कुर्ते में कांटे, आसमान वालों की यही मर्द खेल के हुजूर की बात करते थे। तो ये इंतजाम, राशन का इंतजाम, सवारियों का इंतजाम, असलहे का इंतजाम, जिंस का इंतजाम और नकदी का इंतजाम रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अपनी शान के बयान करते हैं। मैं चाहूं मदीना शरीफ में मौजूद सोने से भरे जितने पहाड़ हैं, जहां मैं जाऊं मेरे साथ, लेकिन मुझे नाज है फकीर, मुझे फखर है फकीर पे, उधर ये इख्तियार चाहे तो तीन आदमियों का खाना छह दिन के हजार भूखे सहाबा को पूरा करा था, चाहे तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाबिर के वालिद के जो कर्ज है उनका सारा कर्ज खजूरों के एक दो पैसे पूरा करा दे, इसके बावजूद ये चंदे की अपील करके उम्मत को ये समझा रहे हैं कभी एहतियात और तदबीर का मामला पेश आए तो ना। लिखा जा रहा था, एक दस्तावेज लिखी जा रही थी, भरपूर तवज्जो चाहूंगा,
सफात में इब्तिदा में उनकी तरफ से भी किसी का नाम लिखा गया, इधर हुजूर का नाम भी लिखा जाना था, लिखा मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मुहम्मद करीम की तरफ से ये इश्तान लिखा जा रहा है, ये दस्तावेज लिखी जा रही है। काफिर कहने लगे अगर हम रिटर्न मान लें कि मोहम्मद रसूल है तो फिर झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। कल लोग कहेंगे तहरीर में तुम करते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हम क्या नाम लेके जाएंगे? रसूल ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजूर ने फरमाया ये कहते हैं यही लिख दो। हजरत अली ने कहा मैं तो नहीं काट सकता, अपने कलम से हुजूर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज काट, ये इसलिए किया कि कयामत तक के लिए लोगों को ये बात वाज़े हो जाए, अगर सुलहों के मामले में अपने ओहदे और अपने स्टेटस की कुर्बानी देना पड़े तो दे जाओ, ये सुन्नत मुस्तफा हो जाए। तदबीर का पहलू था, ये भी एहतियात का पहलू था जो मेरे रसूल ने करके दिखाया। इसलिए कुछ कहने से पहले, कोई फतवा लगाने से पहले खामखा लोगों के जहनों में एक होने से पहले इन हकायक पे लोगों की नजर होनी चाहिए कि तदबीर और इख्तियार अल्लाह ने भी पसंद फरमाया है, मेरे रसूल ने भी उसकी मिसाल देखा है। हाँ, तदबीर और एहतियात इलाज नहीं है, तदबीर और एहतियात अल्लाह उसके रसूल में, अल्लाह उसके रसूल में जो हमारी तरबियत। मैंने शुरू में कहा था कि दो राय है, एक पे मैंने तफसीली बात कर दी है कि तदबीर और एहतियात अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल ने हमारी ये तरबियत फरमाई है, हमें ये सबक दिया है और हमें ये फिक्र अता फरमाई है कि तदबीर और एहतियात करना है, परहेज करना है, हीला बनाना है, वसीला इख्तियार करना है। लेकिन याद रखना तदबीर एहतियात परहेज हीला और वसीला शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के हाथ में है, इलाज अल्लाह के हाथ में है, बरकत अल्लाह के हाथ, रहमत इनायत अल्लाह के हाथ में। तुमने जमीन पे रहते हुए जो जो एहतियात और तदबीर बताई गई है, शर्त यह है कि वो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ न हो। उस तदबीर और एहतियात को इख्तियार करना है और उस एहतियात और तदबीर के दामन को पकड़ लेना है, लेकिन ये अकीदा नहीं बना बदले देना है कि इस एहतियात की वजह से, इस तदबीर की वजह से 20 मिनट हाथ धोने की वजह से, साबन के साथ हाथ धोने की वजह से, गौर के साथ हाथ धोने की वजह से, या किसी और चीज के साथ हाथ धोने की वजह से, या गेट के पास से गुजरने की वजह से, या लोगों से फासला करने की वजह से मैं शिफा बीमारी मेरे करीब नहीं आएगी। फरमाया ना एहतियात और तदबीर इख्तियार करना मेरी भी रजा है, मेरे रसूल की भी पसंद है, लेकिन आखिरी हक अल्लाह की जात के पास है। मैंने शुरू में कहा यह वबा सबसे ज्यादा उन लोगों की तरफ गई है जो सबसे ज्यादा एहतियात और तदबीर जो है। सफाई के चैंपियन भी वो कहलाते हैं, मेडिकल साइंस में अथॉरिटी भी वो समझे जाते हैं, दुनिया के सारे मामलात पे कंट्रोल दावा भी होने का है, लेकिन अल्लाह ने इस वायरस का रुख
उस तरफ करके कायनात को ये बताया है कि आखिरी ताकत अल्लाह की ही है। एहतियात और तदबीर हमने कर ली है, हमने ये गेट भी लगाया है कि उससे गुजर के सैनिटाइज होके मेहमान मस्जिद में तशरीफ लाए। मेहमान इसलिए बोला है कि चार जुमे पहले मैंने अर्ज किया था, ये अल्लाह का घर है, इसका मेजबान अल्लाह है और इस घर में आने वाला अल्लाह का मेहमान। आज ये इख्तिनाब और तदबीर अपनी जगह जरूरी है, लेकिन अकीदा ये है इख्तिनाब और तदबीर करने के बाद इलाज और शिफा अल्लाह के हाथ में। दोस्ता ने सी बता चंद लम्हों के लिए मैं आपको दौरे रिसालत में उहद का जो मैदान है उस तक ले जाना चाहता हूं। काफरों को एक बार शिकस्त हुई, वो भाग निकले, मैदान उहद से चंद किलोमीटर दूर गए, किसी ने उनको आवाज दी, उस आवाज पे सारे रुके, इकट्ठे हुए और उन्हें ये बताया गया कि भागने की जरूरत नहीं है, जिन मुसलमानों से डर के तुम भागे हो वो इस वक्त बड़ी वीक पोजीशन में है, कमजोर हालत में है, अगर तुम सारे एक मरतबा इकट्ठे होकर पूरी कुव्वत के साथ और पूरे जोर शोर के साथ मुसलमानों पर हमला आवर हो जाओ, उन पर दोबारा हमला कर दो, जीत जाओगे, फतहयाब हो जाओ, कचरा पूछ जाएगा और जिस मकसद के लिए तुम मक्का से आए थे उस मकसद में तुम कामयाब हो जाओगे। वो सारे लोग पूरी ताकत और तवानाई इकट्ठे करके दोबारा मैदान उहद की तरफ दौड़े। इधर मुसलमानों में से एक सहाबी, उसने मुसलमानों को जगाया, मुसलमानों को बेदार किया और उस लबो लहजे को अल्लाह ने कुरान में महफूज किया। ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، کوئی پکارنے والا ایک صحابی بولے کہ لوگوں الگ الگ نہ ہو، منتشر نہ ہو، تفرقے میں نہ پڑو، فوراً اکٹھے ہو جاؤ، خطرے کی گھنٹی دوبارہ بج گئی ہے، دشمن پوری آب و تاب کے ساتھ حملے کے لیے आ चुका है और वो अपनी पिछली दोनों शिकस्तों का बदला लेने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयारी में है। कद जमाऊ लकुम, इकट्ठे हो जाओ, फख्शौ और दुश्मन से डरो, उनकी ताकत से डरो, उनकी तवानाई से डरो, उनकी जो इंतकाम की आग उनके सीनों में जल रही है सामने रखो और इकट्ठे होके मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। कुरान कहता है जब सहाबा ने ये आवाज सुनी फसादहुम ईमान, उनके सीनों में जो ईमान का नूर था वो इकट्ठे मार गए। ज्यादा कमाना है ज्यादा हो जाओ, उनका ईमान ज्यादा हो गया। जाहिर है ईमान जब ज्यादा तो बलवाला भी बढ़ गया, जोश जज्बा भी आसमान से जा टकरा। वकालू हसबुनल्लाह वनिमल वकील, और वो कहने लगे हमें अल्लाह काफी है और उससे बेहतरीन वकील कोई नहीं। हमें अल्लाह काफी है तो अल्लाह ये समझा रहा है इख्तियार और तदबीर को इख्तियार करना है। जो जो एहतियात और तदबीर बताई जाती है उसको अपनाना है, लेकिन अकीदा ये रखना है
احتیاط اور تدبیر زمینی ہیلا ہے، اصل اختیار اللہ کا ہے، ہمیں اللہ کا ہے۔ کاش گڑی صاحب نے بولی حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اور ونعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے بہترین وکیل اللہ ہے۔ آپ اسے وکیل بناتے ہو، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہو یا نہیں؟ کیونکہ آپ کو اعتبار ہوتا ہے کہ یہ میرا مخلص ہے، اور جانتا بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، ساری قول کے اسے جو کاغذ مانگتا ہے وہ پیش بھی کر دیتے ہو، جو پیسے بٹورنا چاہتا ہے وہ وکیل نہیں ہے، وہ مجازی طور پہ آپ کا وکیل ہے، حقیقی اور اصل وکیل اللہ کی۔ تو صحابہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، اور اس سے بہترین وکیل کوئی نہیں ہے۔ اور یہی لمحہ 4000 سال پہلے پیچھے اور چلے جائیں، جب نمرود، میں اور آپ بھی اگر درمیان میں ٹمپریچر میں رہنا چاہتے ہیں، اس آزمائش اور دکھ کی گھڑی میں امن، عافیت، پناہ اور سلامتی کے باغ میں رہنا چاہتے ہیں، تو آج سے یہ روٹین بنا لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو احتیاط اور تدبیر ہے اس کو بھی اختیار، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنا، گھر والوں کو بتائیں، گھر میں بیٹھ کے کوئی روٹین بنا لیں، تسبیحاں پکڑ لیں، دانے رکھ لیں، اور گھر والوں کو یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی سمری کر کے، مختصر کر کے بتائیں کہ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پیغام ملا ہے کہ احتیاط اور تدبیر کا اختیار کر کے اصل کامیابی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کا نام لینے میں ہے۔ آپ جا کے فراغت ویسے ہے جتنا وقت اللہ نے دے رکھا ہے، اس کی قدر کریں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کے لاکھ نکالے، انشاءاللہ اللہ اس آزمائش سے بھی بچائے گا، کو بھی دور فرمائے گا، رحمتوں کے دروازے کھلے گا۔ جو کمی بیشی مالی اعتبار سے ہوئی ہے اللہ اس کی بھی کفایت فرمائے گا۔ وما علیہ وسلم اس آزمائش